हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बटरफ्लाई। पानी के अंदर बताऊंगा कि बटरफ्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि मेरा पहला पार्ट आया था कि बटरफ्लाई के सारी मैंने प्रैक्टिस बाहर कैसे करते हैं वो मैंने बता दी थी। एक बार बता देना चाहूँगी, बटरफ्लाई में हाथ जो है ऐसे चल के आते हैं बाहर से, ठीक है, और लेग्स मूवमेंट होती है जो डॉल्फिन की तरह चलती है, जो कि एक बार वन टू फिर दोबारा हाथ पैर आते हैं। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए अब पानी में सारी डिटेल आपको बताऊंगा। वीडियो अगर लंबी हो जाए उसके लिए सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बोल दूं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं सॉल्व हो रही तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अपनी छोटी सी क्लिप बना के डाल देना ताकि मैं आपको आपकी गलती बता सकूं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ग्रुप में फालतू की और चीज़ कोई भी मत डालना। तो चलो स्टार्ट करें वीडियो। फ्रेंड्स, पानी में जाने के लिए आप तैयार है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बटरफ्लाई में डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन क्या होती है मैं पानी के अंदर से दिखा दूंगा कि डॉल्फिन की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है वगैरह। अदरवाइज मैंने डॉल्फिन के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है स्पेशल। तो चलो बटरफ्लाई स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाई में डॉल्फिन जो होती है, मैं आपको बता दूं कि कैसे ऐसे कंटिन्यू चलती है और हैंड मूवमेंट वो आपके कंटिन्यू ऐसे चलते हैं, ठीक है। बाकी मूवमेंट आपको पानी के अंदर से और बाहर से दोनों साइड से मैं दिखाऊंगा। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो पूछ लेना कमेंट करके। और वीडियो का आज का इस वीडियो को मैं टारगेट रखूंगा कि कम से कम 200 लाइक आ जाए जल्दी से जल्दी। तो चलो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बटरफ्लाई करने से पहले आपको डॉल्फिन दिखा देता हूँ। जिस डॉल्फिन देख सकते हो मैं स्लो कर रहा हूँ, एकदम स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अपने डॉल्फिन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि पैर दोनों ज्वाइंट करोगे उतना ज़्यादा फोर्स पड़ेगा। काफ़ी जने पैर ज्वाइंट नहीं करते जिसके कारण थोड़ा फोर्स कम पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बटरफ्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो बटरफ्लाई। अगर आपने मेरा बाहर का पार्ट नहीं देखा तो उसमें मैंने हैंड मूवमेंट बताई है कि कैसे करना है। ये हैंड मूवमेंट कर्व अपने आप हो जाते हैं जब आप फोर्स मारोगे। जब आपकी स्पीड सही हो जाएगी तो ये सीधे हैंड मूवमेंट चलेंगे, जिसमें कारण आपको स्पीड में तो डेवलप होएगा, साथ में आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर स्ट्रोक की बात की जाए तो बटरफ्लाई स्ट्रोक सबसे मुश्किल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा जोर लगता है बटरफ्लाई में, और स्पीड सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई की होती है। अगर आप बटरफ्लाई में किया जाओगे तो बटरफ्लाई काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर देखा जाए तो चार स्ट्रोक होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक के और बटरफ्लाई के और बैक और फ्री, ठीक है। सबसे जो स्लो रहता है वो ब्रेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं बटरफ्लाई आपको साइड में से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार आप फ्रंट में भी देख लो, ठीक है। दोनों हाथ आते हैं, आप जरूरी नहीं है दोनों हाथ पास में लेके, आप दूर भी कर सकते हो। जो ब्रीथिंग के लिए देख लो कि ब्रीथिंग ज़्यादा नहीं छोड़ रही, रिलैक्स छोड़ रही है। जितनी कम छोड़ोगे उतना बेनिफिट है। जैसे नॉर्मल हम सांस लेते हैं ऐसे कंफर्टेबल होके नहीं, देख सकते हो कि मैं कितना ब्रीथिंग कम कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मुंह से नहीं करनी, नाक से करनी है। तो अभी ये बैक से देख लो कि बटरफ्लाई अगर बैक से करते हैं तो हमारी बैक कितनी बाहर निकलती है, बस इतनी सी बाहर आनी चाहिए। क्योंकि क्या होती है कि बैक बहुत ज़्यादा बाहर आती है जो नहीं आनी चाहिए। अब फ्रंट में दिखा देता हूँ कि फ्रंट में भी आपने सेम कैसे करना है। फ्रंट में आपने इतना ही बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आप वेव लेते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी उतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो बटरफ्लाई मेरी, ठीक है। बटरफ्लाई में अगर आप बाहर प्रैक्टिस करते हो, डॉल्फिन आपको अच्छे से आती है, सबसे पहले आपको डॉल्फिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर डॉल्फिन अच्छे से आती है तो उसके बाद आप बटरफ्लाई कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। बटरफ्लाई में हाथों का जोर बहुत लगता है, हाथ को ज्वाइंट करके पुश मारना, जोर से जितना जान मारोगे उतनी ही आप आगे जाओगे, ठीक है। ये फ्रंट में आप देख सकते हो। डॉल्फिन में पैर ज्वाइंट करके आपने तेज चलाने, जितना तेज चलाओगे उतना बेनिफिट रहेगा। दो बार पैर चलते तो एक बार हाथ बाहर आते, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि डॉल्फिन में और बाहर बटरफ्लाई में क्या प्रैक्टिस करनी होती है वो मैंने आपको बता दी थी। तो काफ़ी जनों ने कमेंट किया था कि पानी में करके दिखाओ, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो मेरा पानी में आएगा। तो ये मेरा पार्ट पानी में, आई होप कि इसमें आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने कोशिश तो बथेरी की, पर जिसने कैमरा पकड़ा वो थोड़ा था, उसको उतना पता नहीं था कैमरे के लिए, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने पानी के अंदर जो शूट लिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, ताकि जो आपको पानी के अंदर से भी समझ में आ जाए और बाहर से भी समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ये चेक कर सकते हो। डॉल्फिन करनी है, किक काउंट कर सकते हो, जैसे कि 1 2 हाथ बाहर, ठीक है, 1 2 हाथ बाहर, 1 2 हाथ बाहर। ये दो किक के बाद एक पे हाथ चलते हैं, ये बात याद रखना। जब आप डॉल्फिन करोगे तो आपकी वेव जो है आगे को जानी चाहिए, ठीक है। डॉल्फिन जब हम पुश लेते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, डाइव मारते हैं या वो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो डॉल्फिन करते हैं काफ़ी दूर तक, उसके बाद हम बटरफ्लाई स्टार्ट करते हैं। बट डॉल्फिन की प्रैक्टिस में एक बार आपको बाहर भी दिखा दूँगी, ड्रिल्स क्या होती है, ड्रिल्स कैसे करते हैं, क्योंकि सैड रनिंग सैड में करके हम डॉल्फिन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस मैंने हर किसी बीच में भी दिखाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डॉल्फिन आप अंदर से चेक कर सकते हो कि ऐसे हमने जब पुश लेना है तो तेज तेज हमने डॉल्फिन करनी है,
ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पैर जितने ज्वाइंट रहेंगे, अगर आपके पैर खुले हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, आप बाहर नहीं जाओगे। अगर आप फ्री के पैर चलाओगे या किसी और स्ट्रोक के पैर चलाओगे तो बाहर हो गए, अदरवाइज आप बाहर नहीं, बल्कि वो गलत का मतलब ये नहीं होता कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, गलत का मतलब ये कि आपकी स्पीड नहीं बनेगी, ठीक है। तो कईयों को बहम हो जाता है कि मैं गलत बोल देता हूँ तो वो सोचते हैं कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेग्स ओपन रखोगे तो आपकी स्पीड कम रहेगी, लेग ज्वाइंट रखोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। पहले आप मेरे हिसाब से फ्लोटिंग की प्रैक्टिस आपके अच्छे से हो जाए तो आप डोलफिल करो, डोलफिल के बाद बटरफ्लाई पे आना। वैसे आपको फ्री स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्री स्टाइल ब्रेस्ट स्ट्रोक सीख लो, उसके बाद आपको बाकी स्ट्रोक सारे दो रह जाते हैं, वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। बाकी पानी में प्रैक्टिस करते करते आपकी ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाहर से भी देख लेना और अंदर से भी देख लेना, जिसकी मैं सारे शूट अंदर से दिखा रहा हूँ, अब लास्ट में मैं सारे बाहर से दिखाऊंगा, जिसके कारण आपको समझ में आ जाएगा कि पानी के अंदर कैसे ये हो रहा है और पानी से बाहर कैसे हो रहा है। ठीक है, ये काउंट कर सकते हो आप मेरी किक्स को, 1 2 फिर हैंड मारो, 1 2। ये है, ये जेन्युइनली ये चलते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सारे ही ऐसे करते हैं। इसी से होता है कि एक बार हम जब बाहर से पुश मारते हैं वो जोर से लगते हैं, जब हमारे हाथ बाहर आते हैं तो बॉडी हल्की सी पीछे नीचे चली जाती है कमर में से, ठीक है। और बॉडी को लूज रखना है, ज़्यादा नीचे ना जाए, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। कईयों की लेग्स ऊपर नहीं आती तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे खड़े होना है पानी में, ये यहाँ से आप कैमरे के अंदर से देख सकते हो कि पानी के अंदर कैसे खड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बाहर से देख लो, ये साइड मूवमेंट दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ये डॉल्फिन है, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई चेक कर सकते हो, दो किक हो रही है, एक किक बाहर आ रही है, एक पानी के अंदर चल रही है, ठीक है। दोनों किक कंटिन्यू, डॉल्फिन चलेगी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। और हैंड मूवमेंट इसमें शोल्डर्स का काफ़ी जोर लगता है, ठीक है। छोटे बच्चे ये ज़्यादा ना करे तो बेटर रहेगा, बल्कि करे 1 2 4 10 राउंड मार ले, कई के लिए क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, जिसके कारण आपके मसल पुल हो जाते हैं, जिसके कारण आपको शोल्डर पेन भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, अगर मसल पुल होते हैं तो। आप ये ना हो कि मेडिसिन का हो आप। और ये है डॉल्फिन की प्रैक्टिस, ठीक है। ड्रिल्स आती है डॉल्फिन की, ये ड्रिल्स करनी होती है, जैसे जैसे आप ड्रिल्स करते जाओगे वैसे वैसे डॉल्फिन इंप्रूवमेंट होती जाएगी साथ ही साथ। ऐसे ड्रिल्स होती है जो हमारी स्पीड बढ़ाने के काम जा पाते हैं, मतलब कि काम करती है, जो स्पीड बढ़ानी होती है, काफ़ी कमेंट आते हैं स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो ये फ्रंट में आप बटरफ्लाई देख सकते हो, फ्रंट में मैं बटरफ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बटरफ्लाई की स्पीड काफ़ी होती है, ये मैंने फॉरवर्ड नहीं की, ये जो नॉर्मली है ये। तो काफ़ी जने कहते हैं कि आप स्विमिंग करके दिखाओ, आप चिंटू को कभी कर रहे हो कभी कुछ करो, तो चेक कर लो, काफ़ी कमेंट करते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें बटरफ्लाई में समझ में आ गया होगा, मैंने सारी अंदर बाहर सारी दिखा दी है, बाकी टेक्निक मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं, दोनों हाथ एक साथ बाहर आने चाहिए, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, आगे पीछे हाथ आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, अगर आपके एक हाथ बाहर आता है एक नहीं आता तो आप डिस्क्वालीफाई हो। चलो वीडियो का एंड करें, बटरफ्लाई आपको आगे होगी। फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बटरफ्लाई कैसे करते हैं। डॉल्फिन में मैंने बता दिया, डॉल्फिन में एक चीज़ और रखना है कि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने स्मूथ होते जाओगे। मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, पर क्या है कि समझ होने के कारण समझ सकते हो ना। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम के बहुत कमेंट आते हैं, तो याद रखना कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। डॉल्फिन का मैंने बता दिया, पैर ज्वाइंट करके आपने ऐसे कंटिन्यू चलाने हैं, और बटरफ्लाई में हाथ आपके ऐसे जाके, बल्कि ऐसे ऐसे वाला प्रेशर ऑटोमेटिक आता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जब नीचे खींचोगे आप सीधा नीचे, ठीक है, जरूरी नहीं आपने हाथ मतलब कि जोड़ करने हैं, इतने ओपन करके भी आप कर सकते हो, बाकी अपना अपना स्टाइल रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप बटरफ्लाई करोगे आप फेस सांस करके, हम ऐसे फेस नीचे करते हैं, अगर आप पूरी वेव लेके जाओगे मतलब कि इसके साथ पूरा ऐसे नीचे करके लेके जाओगे तो आपकी बटरफ्लाई स्ट्रोक बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और कोशिश की है मैं छोटी बने, पर इसमें स्लो मोशन में भी दिखाना था, तो आई होप कि आपको बटरफ्लाई आगे होगी। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ हैशटैग करके जरूर बताना, और वीडियो में मेहनत बहुत लगती है, प्लीज़ लाइक जरूर किया करो, कमेंट करते हैं, अपना सवाल पूछते हैं और तुरते बनते हैं, तो लाइक जरूर किया करो। और बाकी अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अपना सुधार करता जाऊँ धीरे धीरे। बस यही थी आज की वीडियो बटरफ्लाई के ऊपर, और जैसे कि मैंने इसका पहला पार्ट बनाया हुआ है जो कि मैंने बाहर बताया हुआ है कि हैंड मूवमेंट कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज सिंपल ही रहते हैं। आपने ये चीज़ की प्रैक्टिस तो करनी करनी है, और बैक की भी प्रैक्टिस किया करो साथ में, और उसके बाद जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना तो इस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बैंड रह के करना है, मतलब कि एक स्ट्रोक में रह के करना है, ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ की प्रैक्टिस करना है, जिसके कारण आपको और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो गई उसके लिए सॉरी, और अगर कोई कमी है तो माफ़ कर देना, बस यही था। बाकी जो लाइक करते हैं उनके लिए थैंक यू, और मेरे 35K होने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। और हाँ, हफ्ते में मैं 2 वीडियो देता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी दे दूँ। और एक मेरा दोस्त है क्रिश गेमर, ठीक है,
उसके चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो पबजी खेलता है, मतलब हम सारे पबजी साथ में खेलते हैं, मैं, क्रिश, लवली, मानिक और साथ में और भी काफ़ी जने हैं, मतलब कि हमारा मेन स्क्वाड बना कर रहता है, बाकी नीजू हो गया, एमजे हो गया, मतलब कि रजत हो गया, काफ़ी जने हैं। तो अगर आपने पबजी में जाना है, ज्वाइन करना है, तो क्रिश गेमर का चैनल है मेरे दोस्त का, ठीक है, उसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पबजी खेलने के फ़ैन हो तो उसमें भी जाके उसको फॉलो कर लेना और हम साथ में खेलेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग डालता हूँ, अभी ये थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है। और ये है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। थैंक यू फॉर द वीडियो।